नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ। जो इसमें बात करेंगे खबरों की, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव संभव, मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद, संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के मौजूदा दो मंत्री सांसद चुने गए हैं, दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरों को जगह मिलेगी, तो ये बड़ी जानकारी। केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद जो है बदलाव संभव, मंत्रिमंडल और संगठन में भी फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही, लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे, प्रदेश सरकार के मौजूदा दो मंत्री सांसद चुने गए हैं और दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरों को मिलेगी। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे, मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद भी जताई जा रही है और लखनऊ से ये जानकारी निकल के सामने आ रही। केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वहीं दो मंत्री जो सांसद चुने गए हैं उनकी जगह अब दो नए चेहरों को मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो लखनऊ से ये जानकारी निकल के सामने आ रही। केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव की संभावना, मंत्रिमंडल और संगठन में भी फेरबदल की उम्मीदें जताई जा रही है। बताया जा रहा है संगठन की समीक्षा के बाद प्रदेश में कई बदलाव किए जाएंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है, क्या अपडेट मिल रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, जो ये 7 जून को एनडीए की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें संसदीय दल के नेता शामिल होंगे, यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और सूत्रों का यह भी दावा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं और साथ ही साथ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि लोकसभा में खराब प्रदर्शन करने वाले बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब, प्रदेश अध्यक्षों की रिपोर्ट भी मांगी गई है और यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष यूपी के हटाए भी जा सकते हैं या बड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है, इसमें कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। इस बार मोदी सरकार के 60 मंत्रियों को हार मिली है और बात करें जीत की तो जीत के लिए साक्षी महाराज, देवेंद्र सिंह भोले, मुकेश राजपूत जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इन तीनों नाम जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, चाहे साक्षी महाराज हो, देवेंद्र सिंह भोले हो या मुकेश राजपूत। और बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अनुराग शर्मा को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। तो पहले का मतलब यह है कि पूरा खाता तैयार कर लिया, जो मंथन 7 जून को होना है वह मंथन होगा और इसमें जो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासित राज्यों के वह भी शामिल होंगे और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ अब धड़ाधड़ रिपोर्ट भी मांगी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो यूपी का प्रदर्शन रहा कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ रहा, कई ऐसे मंत्री हैं जो हार गए, अगर चाहे अजय मिश्रा टेनी की बात करें वह भी हार गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो मोदी के 7 मंत्री थे वह हार चुके हैं और इस बैठक में अब नए नाम शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। जी आसिफ, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यूपी में बीजेपी को कड़ी शिकस्त जो है देखी गई है, मिली है और इस दौरान अगर हम बात करें तो अब किस तरह से इस पर तैयारियां की जाएगी, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के कई मंत्री को इस दौरान जो है हार मिली है और नतीजों के बाद अगर हम देखें तो सरकार लगातार जो है सक्रिय दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बता दें जो है कि जिस तरह से जो अगर यूपी की नतीजों की बात करें तो यूपी के नतीजों जो नतीजे आए हैं काफी चौंकाने वाले आए हैं। जिस तरह से चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हों या फिर केंद्रीय मंत्री ईरानी, अगर केशव मौर्य जो है अपना क्षेत्र यानी कि कौशाम्बी की सीटों को नहीं बचा पाए, वहीं केंद्रीय
मंत्री स्मृति ईरानी हार गई या सभी लंबे दावे कर रहे थे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से बीजेपी उतरे थी चुनावी रण में, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने बड़ा झटका दिया है। और अब इस झटके के बाद कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी पूरी तरह से सतर्क हो गई है और जिस तरह से अब मीटिंग होगी 7 जून को, उसके बाद अगर बात करें प्रदर्शन की तो प्रदर्शन में सबसे पहले गाज सूत्रों का यह दावा है कि यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर गिर सकती है और साथ ही साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो भले ही दिखाने के लिए फील्ड में दौड़ते रहे, जीत का दावा करते रहे और यहाँ तक कि बीजेपी हाई कमान को पूरी तरह से आश्वस्त करते रहे कि इस बार यूपी में अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन रामनगरी अयोध्या में भी बीजेपी को झटका लगा। जो प्रमुख सीटें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं, जो हॉट सीटें हैं उस पर भी झटका लगा। अब पूरी तरह से बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है और बीजेपी बड़ी कार्रवाई भी करेगी और साथ ही साथ जी आसिफ, अगर हम देखें तो जिस तरीके से नतीजे सामने आने के बाद लगातार जो पार्टी के आला दर्जे के नेता हैं वो तमाम प्रदेश अध्यक्षों से, जैसा आपने बताया कि ब्यौरा मांग रहे हैं, इसी के साथ हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें वहां भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वो नेता हो अधिकारी हो, सबके जो है काम के ब्यौरे मांग रहे हैं, अलग अलग विभागों के जो है ब्यौरे कह रहे हैं पेश करने को, उनसे जवाब तलब भी करने की तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनावी रिजल्ट आया, चुनावी रिजल्ट में यूपी का भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बीजेपी के तमाम मंत्री हारे और तमाम बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। इसको गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए की बैठक के पहले आज जो है अफसरों के साथ एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि चुनावी दौरे के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, वहां पर उन्हें शिकायतों का पुलिंदा भी लगातार मिल रहा था। अफसरों की जो लापरवाही सामने आ रही थी, चाहे विकास कार्यों को लेकर या फिर अफसरों की मनमानी को लेकर, उसको एक डाटा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है और आज शाम को जो बैठक होने वाली है प्रमुख सचिव और साथ ही साथ जो सचिव हैं, जितने भी सचिव हैं अफसर हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और एक एक बिंदु पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे जवाब तलब करेंगे और इस जवाब तलब के बाद कल यानी कि 7 जून को जो एनडीए की बैठक होनी है उसमें पूरा खाका भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे थे और साथ ही साथ जिस तरह से लोकप्रियता यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी ही नहीं कई राज्यों में है, लेकिन जो चुनाव नतीजे आए हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं और जिस तरह से झटका लगा है। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो संगठन की समीक्षा के बाद कई तरह के फेरबदल की संभावना जताई जा रही है और बात करें तो प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए हैं और इन दोनों जगहों पर 2 नए चेहरे लाए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है, 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना, कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे मोदी। कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे और बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है, यानी कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और इसकी जो तैयारी है वो देखी जा रही है। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है और कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तो संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और इसमें तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, 8 जून को पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसको लेकर, क्योंकि कल जो है बैठक भी होने वाली है।
आज ये मीटिंग बुलाई गई है और जेपी नड्डा का ये मीटिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी। लगातार नौता दिया गया है, लगातार के वो 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, यानी लगातार जो उनके सांसद रहे हैं, जो उनके सहयोगी रहे हैं, सभी ने उनको नेता चुना गया। और कल से सभी बीजेपी शासन राज्य के मुख्यमंत्री सांसदों को बुलाया गया है, तो कल के दिन ही उनको नेता चुन लिया जाएगा और 8 तारीख को शपथ ग्रहण है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, वही अगर बता दें सूत्र पता चला है कि लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के अनाउंसमेंट होने के बाद कई देशों को प्रधानमंत्रियों को नौता दिया है 8 तारीख को दिल्ली में होने के लिए, क्योंकि उनके शपथ ग्रहण में शामिल होना है। ऐसे में कहने गई जिस तरह से इंडिया का गठबंधन बार बार लगातार जिस तरह से आवाज उठाता रहा है कि आखिरकार सरकार हम बनाएंगे, और जो कि नीतीश कुमार तमिलनाडु को तोड़ने की बात कही जा रही थी, उनको अकाउंट देने की बात कही जा रही, तो कहीं ना कहीं झूठ साबित हो जा रही, क्योंकि कल ही पूरा फैसला हो गया था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया। लगातार उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं, और साथ साथ में कई और ऐसे पप्पू यादव की भी बात सामने आ रही है, लगा रही पप्पू यादव भी हो सकता है कि इसमें हो जाए, क्योंकि 4 सांसद ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्दलीय जीत के आए हैं, तो बीजेपी की तरफ करने की बात सामने आ रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो कुर्मा है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और लगातार ऐसा हुआ तो 305 से अधिक बीजेपी के पास सीटें होंगी और पूरी तरह से 500 सत्ता में रहेंगे। जी अच्छा है, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने जब अपना इस्तीफा सौंपा था राष्ट्रपति को, उसके बाद जो है डिनर पार्टी भी हुई थी, जहां जो है उनके साथ साथ जो दल के बड़े नेता है, बड़े दिग्गज हैं, वो भी नजर आए थे। और इसके बाद अगर हम बात करें शपथ ग्रहण की, तो इस समारोह के लिए क्या खास तैयारियां देखी जा रही, क्योंकि अन्य देशों के पड़ोसी देशों के जिन देशों से जो है भारत के संबंध अच्छे, वहां भी न्योता गया है। बिल्कुल देखिए, उन सभी को नौता गया था, बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, या भूटान की बात कर लें, या नेपाल की बात कर लें, इन सभी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नौता दिया गया कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में इनको नौता है और आए। तो लगातार देखिए जो संबंध बने थे वो कहने स्पष्ट हो गया है कि जब किसी पड़ोसी देश को नौता भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं जो किसी व्यक्ति बीजेपी की जो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने आ रहे हैं वो उनको चुन ले गए। औपचारिकता रही है, मुकल हो जाएगी, क्योंकि सभी सांसदों ने भी सहमति मनाई है अभी से ही कि लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो देखिए आप लगातार जिस तरह से बीजेपी की जो जीत हुई है, ऐसी जीत हुई है, लगातार वो प्रधानमंत्री बने, यानी जवाहरलाल नेहरू के बराबर में अब प्रधानमंत्री पहुंच जाएगी, वो भी उस समय 3 बार के प्रधानमंत्री चुने गए थे और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार के प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस का एक रिकॉर्ड बना हुआ था वो आज प्रधानमंत्री बीजेपी ने तोड़ दिया। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो जो है कल बैठक होनी है और उसमें जो है एक बार फिर से बातचीत की जाएगी, वहीं पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, तो तीसरी बार जो है पीएम पद की शपथ ग्रहण की तैयारियां लगातार देखी जा रही है पार्टी की ओर से, और एनडीए के तमाम जो नेता है वो इसमें जुटे हुए। वहीं बढ़ते आगे दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद, अखिलेश यादव की आवाज पहुंचे रामगोपाल यादव, बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता आवास पर पहुंचे, एसटी हसन भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे, अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी। तो ये बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद है और अखिलेश यादव की आवास रामगोपाल यादव भी पहुंचे, इसी के साथ अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मिलने, एसटी हसन भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। तो फिलहाल अखिलेश यादव जो है दिल्ली में मौजूद है, बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता आवास पर पहुंचे हैं, ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद है और बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो लगातार बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज है, अगर हम बात करें इंडिया की तो वहां भी कुछ खलबली और खिचड़ी पक रही है, इसी के साथ एनडीए में भी जो है पूरी तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने की तैयारी जो है देखी जा रही है। और अब जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर ले, फिलहाल वो भी दिल्ली में मौजूद है और उनसे मिलने जो है तमाम नेता जो है पहुंच रहे हैं, उनके सहयोगी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आसिफ, अभी हम बात करें अखिलेश यादव जो है दिल्ली में मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक नेता कार्यकर्ता भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, क्या हलचल मची हुई है? जी बिल्कुल, जो ही अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया है उससे कहीं ना कहीं जो है एक तरह से गुस्ताख गिरी थी अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की, उस गुस्ताख को बचा लिया। और साथ ही साथ जो रिजल्ट सामने आया उससे कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी प्रमुख एक तरह से राजनीति के किंग बन गए हैं। और सही और जिस तरह से कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और अखिलेश यादव तो दिल्ली में डेरा जमाए हुई है और यह कोशिश की जा रही है किसी तरह तोड़फोड़ कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए। अगर बात करें टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तो अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात किया और इसके साथ ही साथ रामगोपाल यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात किया। फिलहाल इस तरह से जो राजनीतिक समीकरण की बात करें तो राजनीतिक समीकरण यह है कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी उनकी सरकार बनने जा रही है। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वह टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चाहे तेजस्वी यादव की बात करें तो वह भी नीतीश कुमार से बात कर चुके हैं। और सबसे अहम पहलू यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंपी थी। और सूत्रों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक रणनीति बना रहा है कि किसी भी तरह केंद्र में एक बार फिर से सरकार बने, लेकिन कहीं जो बीजेपी है वह भी फूक फूक कर कदम रख रही है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के किसी भी चाल को सफल नहीं होने देगी, कोई भी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर बात करें अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव से तमाम बड़े नेता इसलिए भी मिलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जादू चला है। अगर 2004 की बात करूँ तो 35 सीटें मुलायम सिंह यादव ने निकाली थी यूपी से, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ गया है और दो अन्य सीटें जीत कर यह कोशिश की है अखिलेश यादव ने कि इस बार जो है अखिलेश का जादू चला। आप देखने वाली बात यह है कि इस तरह से जो कोशिशें चल रही है और जो रणनीति बनी है, कहीं ना कहीं यह भी देखा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव राजनीति के हीरो बन चुके हैं। और इन पर जी आसिफ बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा को बड़ी जीत मिली है, उसके बाद अखिलेश में दिल्ली में जो है अखिलेश यादव का इस तरह से डटे रहना और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथी उनके समर्थक वो भी उनसे लगातार मिल रहे, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जो जिस तरह से अखिलेश यादव कली से डटे हुए है, कन्नौज में सर्टिफिकेट लेने के बाद वह इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए और उसके बाद वह दिल्ली में ही मौजूद है, उनसे तमाम नेता देशभर के नेता भी मिलने आ रहे हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी चाहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ दी गई हो या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह किसी भी तरह पीएम मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने में रोड़ा बने और कहीं ना कहीं जोर शोर करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरा योगदान दे। और यही वजह रही कि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत अगर तीसरे उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के भी संपर्क में है और राजनीतिक बदलाव के लिए अखिलेश यादव की मुहिम लगातार जारी है। अंडर आने से कहीं ना कहीं यह लग रहा है इंडिया गठबंधन को कि आज नहीं तो कल चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम उनके पाले में आ सकते हैं। अगर यह दो बड़े चेहरे आ जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। फिलहाल इस तरह से बीजेपी इस पर पूरी नजर भी गड़ाई हुई है और बीजेपी हर उस चाल को नाकाम कर दे रही है जो इंडिया गठबंधन के नेता अपनी चाल चल रहे हैं। जी आसिफ क्या जानकारी साझा करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है दिल्ली में मौजूद है और जो उनके समर्थक है लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।